खबर ग्वालियर से है, जहां बच्चों की फीस भरने के लिए सूदखोरों से पैसा उधार लेना एक पिता को भारी पड़ गया। सूदखोरों ने पहले तो मय ब्याज के मूल रकम वसूल कर ली, फिर अतिरिक्त पैसे मांगने लगे। लेनदेन के इसी विवाद पर से सूदखोरों ने हत्या की वारदात को भी अंजाम दे दिया, जहां सूदखोरों की पिटाई से घायल दीपक सविता नाम के शख्स ने 10 दिन के उपचार के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं युवक का शव ग्वालियर आते ही गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मृतक के पिता जगदीश सविता ने पुलिस और डॉक्टर्स पर आरोपियों के साथ सांठगांठ होने का गंभीर आरोप लगाया, साथ ही पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। भैया मेरे भैया का काम तो छूट गया था 3 महीने से, तो उसने बच्चों की फीस भरनी थी, तो 20,000 रूपए लिए। ये कौन है, ये पीयूष लोधी है कौन, और ऋषभ तोमर से 20,000 रूपए उसके लिए थे 20,000 रूपए। तो उसको बुलाया, घर से बुला लिया था उसको, फिर से बात करनी है। वो बात करने के लिए आया तो पता नहीं क्या फायरिंग कर दी पहले, फायरिंग से तो वो बच गया, तो उसने मारा पिट्टी कर दिया, लेटा के उसको लाते घुसा दिए, लेटा के जम पे पेटी पेट में लाते दिए उसको, बहुत गंभीर चोट आई, बहन गला रह गया था वो, तो किसका, दीपक सविता, दीपक सविता मेरे भाई का नाम, दीपक सविता, ये जीवाजीगन पुल की। तो क्या समस्या आ रही है, समस्या भैया मेरा भैया तो चला गया, उनको जो FIR हुई थी उनकी, तो वो बाहर आ गए, जमानत उसके घर पे बुलडोजर चला गया, जैसे हमारे गया उनका भी जाना चाहिए, फांसी होना चाहिए उसको। और डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट बना के दी, सरकारी नौकरी चाहिए। मेरे लड़के को बुला के, उसको बुला के शराब, इन लड़कों ने मुझे, उन लड़कों ने मारा है और इतना मारा है, बहुत ज्यादा मारा है। एक तो पीयूष लोधी है, एक ऋषभ तोमर है, दोनों अपराधियों ने बहुत जोर का मारा उसको, इतना मारा है। यहाँ तक डॉक्टरों ने भी साफ झूठी लापरवाही, डॉक्टर भी जान भी गई, कह रहे नॉर्मल है और रिपोर्ट झूठी बना के दे दी उनने, डॉक्टर ही बेच गए साहब पैसे से। कब की घटना है ये? 20 तारीख की। अभी तक आपने रिपोर्ट करी क्या क्या? हमने कोई काम नहीं किया, हमें अभी इलाज करा था बच्चे का, बच्चा मेरा एक्सपायर हो गया, दिल्ली चले गए, दिल्ली यहाँ रेफर कर, आज सुबह हुआ 7:30 बजे। 35 साल की, दीपक सप्ता नाम है उसका, और मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मेरे को मतलब मेरे बच्चे क्या कह रहा है, पुलिस प्रशासन ने लापरवाही करी है, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं करा अभी तक, और अपराधी छूट गए, अपराधी छूट गए, जमानत हो गई उनकी। 20 तारीख को एक गोली चलने की घटना और मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें दीपक सेन नामक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ था, उसके मारपीट हुई थी और फायर किया गया था, तो मारपीट से उसको जो है वो पेट में चोटें आई थी। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वह 307 की कायमी की थी, और उसके बाद में आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया था। जो घायल था दीपक सविता नाम का व्यक्ति, वो उपचाररत था, आज उसके उपचार के दौरान जो है दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई है। नहीं, ये प्रकरण में जो है उनके द्वारा कृत किया गया था, आरोपियों द्वारा जो कृत किया गया था, दो आरोपी हैं ऋषभ तोमर और पीयूष लोधी, दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की गई है। एक प्रकरण जो है वो हत्या के प्रयास का प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया गया था, उसमें जो है वो मैक्सिमम धाराएं लगाई गई।